फ्रेंड्स राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीड लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोगों के लिए एक डीमैट अकाउंट लेके आया हूँ। तो इस डीमैट अकाउंट का नाम है आदित्य बिरला कैपिटल्स। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आप इसमें एक डीमैट अकाउंट बना लेते हो और डीमैट अकाउंट बनाने के बाद अगर आप किसी को भी रिफर करते हो तो आपको पर रिफर 400 रुपीज करके मिलने वाला है। तो इसीलिए इस डीमैट अकाउंट को ले गया हूँ। अगर आप घर बैठे इनकम करना चाहते हो तो आप इस डीमैट अकाउंट से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए आप इससे दो तरीके से इनकम कर सकते हो। एक हो गया आपका ट्रेडिंग करके आप इनकम कर सकते हो और एक रिफर करके। तो फ्रेंड्स देखिए ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो रिफर भी कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग भी कर लीजिए और आप रिफर करके इनकम भी कर लीजिए जो आप घर बैठे कर सकते हो और आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है कि आपको वाउचर वगैरह मिलता है और जाके फिर वाउचर को कन्वर्ट करके फिर पैसा करना होता है। तो ये झंझट इसमें नहीं होता है, डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है जो भी आप रिफर करेंगे। और जो ट्रेडिंग करेंगे वो तो डायरेक्ट ही हो जाता है। तो हम लोग मेनली फोकस करेंगे रिफर एंड अर्न पर। तो फ्रेंड्स आपको पहले एक डीमैट अकाउंट बना लेना है और बनाने के बाद ही आप किसी को रिफर कर सकते हो। जितना ज्यादा रिफर करेंगे उतना ही आपका ज्यादा इनकम होते रहेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे, आपको कैसे अकाउंट बनाना होता है, कैसे आपको रिफर करना होगा, फिर इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इधर आप देख सकते हो ओपन ए ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट इंस्टेंटली और नीचे आपको मोबाइल नंबर देने के लिए दिया गया है। तो इसमें आपको मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी के द्वारा एंटर करके फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। तो जब आप नेक्स्ट करेंगे फिर आपका ईमेल आईडी इधर आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद फिर आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद फिर आपका ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी के द्वारा एंटर करके फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इसमें आपका पैन डिटेल्स देना होगा, जैसे पैन कार्ड का फोटो आपको इधर अपलोड करना है या आप डायरेक्ट कैप्चर कर सकते हो, कैप्चर करके अपलोड कर सकते हो। फिर इधर आपका पैन नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है और फादर नेम देना है, जैसा आपका पैन कार्ड में है वैसे ही आपको देना होगा। तो फ्रेंड्स देने के बाद फिर आपको इधर नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा, आप देख सकते हो, और इसमें आपको ध्यान से करना होगा। और फ्रेंड्स देखिए कंटिन्यू विथ आधार कार्ड, तो कंटिन्यू विथ आधार कार्ड इसमें आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा जिसमें आपको डिजीलॉकर को मतलब ऑथेंटिकेट करना होगा। तो देखिए इधर नीचे आपको दिख रहा होगा ऑथेंटिकेट आधार, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इस टाइप से आएगा, तो इसमें आपका आधार नंबर एंटर करना है। एंटर करके फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट करने के बाद आपका जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को एंटर करके फिर नेक्स्ट करना है। फिर आपको अलाउ कर देना है। तो अलाउ करने के बाद आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीट होता है और इस टाइप से लोडिंग हो गया, मतलब सक्सेसफुल हो जाता है। ये देख सकते हो आप केवाईसी कंप्लीट हो गया। फिर आपका बैंक डिटेल्स देना होगा। तो बैंक डिटेल्स में आप चेकबुक देख सकते हो, फिर आपका बैंक स्टेटमेंट देख सकते हो या आप बैंक पासबुक या डायरेक्ट बैंक का ही आप डिटेल्स दे सकते हो, जैसे कि बैंक होल्डर का नेम क्या है, बैंक आईएफएससी कोड क्या है, फिर बैंक अकाउंट नंबर क्या है और बैंक का नाम क्या है। तो ये सब आपको डाल के फिर आपको प्रोसीड कर देना है। तो ये बहुत ही आसान है, जो आपके पास है वही आप दे सकते हो। फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, कोई भी एक व्हाइट पेज पर आप सिग्नेचर करके उस सिग्नेचर को अपलोड कर दीजिए, हो जाएगा। फिर आपको इसमें प्रोसीड में क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड में क्लिक करने के बाद फिर आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स देना है, जैसे कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका एनुअल इनकम क्या है, फिर आपका ट्रेडिंग में कितना एक्सपीरियंस है। तो ये सब आपको इधर से चूज कर लेना है। तो चूज करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हो कुछ ऑप्शन ग्रीन है और कुछ मतलब एनेबल नहीं है, डिसेबल है, तो ऐसे ही रहने दीजिए। फिर आप प्रोसीड कर दीजिए। तो प्रोसीड करने के बाद इधर आप देख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है फ्रेंड्स देख सकते हो सिलेक्ट DRA इंट्रोडक्टरी प्लान, तो इसी को ही आपको मतलब सिलेक्ट करना है, नीचे वाला नहीं करना। अगर नीचे वाला करेंगे तो आपको पैसा देना होगा। तो आप हम लोग पैसा वाला
नहीं करेंगे, फ्री वाला करेंगे और रिफंड अर्न करके पैसा कमाएंगे, मतलब सिंपल सा बात है। तो आपको ऊपर वाला जो ऑप्शन है उसी को चूज करना है, चूज करके आपको प्रोसीड कर देना है। तो प्रोसीड करने के बाद फिर आपको सेल्फी लेना है, सेल्फी इधर अपलोड करके फिर प्रोसेस कर देना है, तो हो जाएगा। तो इधर देखिए हो रहा है, फिर आपका आधार ई साइन आपको करना है, तो ई साइन पे आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा, तो आपको प्रोसीड टू ई साइन इसमें आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से आएगा। फिर फ्रेंड्स देखिए आपका जो आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड का नंबर इधर आपको एंटर करके फिर आपको सेंड ओटीपी करना है, और जो टिक बॉक्स है टिक बॉक्स में टिक आपको करना है, नहीं तो नहीं होगा। तो सेंड ओटीपी करने के बाद आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी के इधर एंटर करके फिर आपको वेरीफाई ओटीपी कर देना है। तो प्रोसेस इतना तक ही है, आपका ई साइन हो जाएगा और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भी मिल जाएगा, और इसमें बोला जा रहा है कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और आपको जो पासवर्ड एंड लॉगिन आईडी ईमेल में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए जब आपका ईमेल पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, तो आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाके आदित्य बिरला कैपिटल्स का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको उसमें आपका यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद उधर जाके आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अगर ट्रेडिंग नहीं करना तो आप रिफंड अर्न का ऑप्शन में जाके आप आराम से रिफ़र कर सकते हो, जितना रिफ़र करो उतना इनकम आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स और भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको मतलब रिफर कैसे करते हैं वो भी दिखाऊंगा, और रिफर अमाउंट कहाँ आता है, कैसे आपको ट्रांसफर अगर करना है, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, रिफर करते रहिए, और कुछ भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।